वेलकम अगेन। और इस जबरदस्त सेगमेंट एक और बिल्कुल रेडी है। आपने पहले हम लोगों ने हमने आपसे गुफ्तगू की और वो आई हॉस्पिटल के बारे में, उसके बाद हमारे साथ शेफ थी, और अब जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, वो है पेंटिंग का। और ये भी एक आर्टिस्ट के अंदर ये क्रिएशन होती है, वो अपनी क्रिएटिविटी माइंड की जो है ना वो कैनवस पे प्रेजेंट करता है। और ये भी होता है कि कुछ लोगों की दिल की बातें होती हैं, जो बड़ी बात होती है कि आर्टिस्ट लोगों की दिल की बातें या इर्द गिर्द के जो प्रेजेंटेशन होती है, जैसे देही इलाकों में क्या हो रहा है, और मोहब्बत के रंग और सूरज डूब रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तख्लीक कायनात की खूबसूरत नज़ारे वो कैनवस पे शिफ्ट कर देता है। तो ये बड़ी ये भी लोगों के अंदर एक हुनर होता है। ये कलाकार, ये हुनरमंद लोग या आर्टिस्टिक लोग हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, बस डिपेंड होता है हम उनको सर्च कर लें, हम कहीं ना कहीं उनको मिल लें उनसे, फिर हमारा दिल करता है कि ऑफकोर्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वीनस एचडी टीवी चैनल का एंड गुड मॉर्निंग विद सभी का, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम क्यों ना ऐसे टैलेंटेड लोगों को जो स्किल्स रखते हैं, ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस हों या टैलेंटेड वुमेंस हों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनको आगे लेकर आऊँ। ऑब्लाइज करना हमें एक हमें चाहिए, हम उनको ऑब्लाइज करें और आगे प्रेजेंट करें और शेयर करें, ऐसे लोगों को सबसे मिलवाएं। तो यहाँ पर कौन मौजूद है? जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त लेडी है, एक तो ज़बरदस्त शायरी करती है, मेरे शो में पहले भी आ चुकी हैं, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, श्योर नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ पेंटिंग का भी होगा। तो शायरी भी दबंग करती हैं और पेंटिंग भी दबंग करती हैं, कौन मौजूद हैं? टैलेंटेड खूबसूरत सी लेडी यहाँ है, शबाना खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अच्छा जी, कुछ मैं देख रही थी आपकी पेंटिंग्स वगैरह। जी नाज़रीन, आप लोग देखें मेरे पहले यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स मेरे यहाँ पर राइट हैंड मौजूद हैं, और अभी एक खूबसूरत कलरफुल लेडी और हमारे कल्चर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, ग्रीन शर्ट है और डार्क पिंक कलर का गरारा या शरारा लाइक, और लाइट पिंक कलर का दुपट्टा, बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन, नीचे एक चटाई सी बनी हुई है और ज्वेलरी भी पहनी हुई है, हम इसे ब्राइट कहेंगे लाइक। और लेकिन अक्सर मैंने देखा राजस्थान में या सिंध के थर में बैंगल्स चूड़ियाँ वगैरह, और गले में एक खूबसूरत सा टच है, बड़ा हसीन सा। बराबर में है एक उन्होंने जो टेबल पे जो कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, आर्टिस्टिक स्टिल लाइफ। अच्छा जी, क्या कहलाती? स्टिल लाइफ कहलाती। अच्छा जी, ये कुछ स्टिल लाइफ, कुछ चारकोल वर्क है ये, स्टिल लाइफ। ओके ठीक है, ये इनको पता होगा भी मैं। अच्छा, उसके बराबर में एक और वो भी इसी तरह से मुगल आजम की ज्वेलरी पहनी है, और ये मुगल आर्ट है, मुगल आर्ट, और मैं इंस्पायर हूँ मुगल एरा से, तो इसलिए मैं मोस्टली जो है वो मुगल पेंटिंग ही करती हूँ। ओके, और बराबर में भी मुगल ही, मुगल आजम की मलका विक्टोरिया। अच्छा जी, हम इस साइड पर आए इसलिए मैं असल में पहले दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद हम जो है ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास ये पेंटिंग है, ये समझ में नहीं आ रही क्या है? ये ऑयल पेंटिंग है और ये नाइफ पेंटिंग है। अच्छा, ये टोटली नाइफ से हुई भी है। छुरी चाकू चला रही थी शिवानी जी? इसके छुरी चाकू अलग होते हैं। पेंटिंग आर्टिस्ट, अरे यार जबरदस्त, क्या स्क्रीन पर आओ और दबंग लग रही है, बहुत हसीन लग रही है। और अब मुझे एक और चीज प्लस पॉइंट हो रही है, मैं सोच रही हूँ ये विंडो हमारी बड़ी खूबसूरत है, और अब मैं सोच रही हूँ ये वाली जो स्क्रीन पर आप ऐसे ही बैठ रहे हैं, आप स्क्रीन ना देखिएगा। okay. ये खूबसूरत व्यू मेरी प्यारी बहन पे कैमरा नहीं, आप बैठे रहे। okay. आप जरा मेरी बहन के ऊपर कैमरा रखें तो यकीन करें ये व्यू पीछे बहुत खूबसूरत आ रहा है। और मैं सोचूं अब मैं ये शहजाद भाई आप देख रहे हो ना, अब हम लोग एक ऐसा आबशार का भी बनाएंगे। हाँ, अच्छा लग रहा है ना व्यू, इधर ही रख लेते। नहीं, बहुत हसीन है, रियली मैं सच कह रही हूँ, बहुत खूबसूरत आ रहा है आपके साथ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर ये जो है ना बड़ा प्यारा सा व्यू आ रहा है। अच्छा, ये बेसिकली बिल्कुल इसका अक्स प्रेजेंट कर रहे हैं जी, आप एक्चुअली ये अपर साइड है, ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर ये एक रिवर या पानी का ओए 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 ओए। तो ये इसका शेडो यहाँ पर आ रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत हसीन, आउटस्टैंडिंग, स्क्रीन पर बहुत दबंग लग रहा है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मेरी बहन, ये जो है ये भी स्टिल लाइफ है, वही रखे उसके ऊपर ही रख दें ताकि वो इस पर ऐसे खड़ा करें, ऐसे करके वो स्क्रीन पर। हाँ यस, ये क्या है? ये भी स्टिल लाइफ है, ये सॉफ्ट पिस्टल्स और ऑयल पिस्टल्स यूज हुए हैं इसमें। ओके सारा। अच्छा, ये जो है मेरा ग्लास, देखो यार क्या ऐसे लग रहा है नेचुरली इसके अंदर।
ओके नेक्स्ट क्या उधर ही रखिएगा इसको भी। ये मेरा चारकोल वर्क है। ओके और ये मैंने इसको यार आपने मुझे हुंजा कागान नारायण की याद दिला दी। मैं जितना भी मैंने ट्रैवल किया है ना इस तरह के नजारे मुझे हुंजा और नारायण कागान में नजर आए पूरी। ओए ओए ये मैंने अपनी आंखों से बहुत जल्द मैं आपको ये सारी वीडियो शेयर करूंगी। अल्लाह जो है ना सुन ले और एक और बंदा है जो सुन ले मैं रिक्वेस्ट करूंगी उससे। डेढ़ साल से मैं उससे कह रही हूँ मेरी वीडियोस दे दो वो अभी तक नहीं आई है। और यकीन करें उस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है हसीन पाकिस्तान। मैंने वहाँ पर अपने व्लॉगर्स जितने भी बनाए हैं और ज़बरदस्त आप देखोगे ना छोटे छोटे क्लिप्स हैं और नेचुरली जो कायनात अल्लाह पाक ने इतनी हसीन बनाई है वो नेचुरल व्यूज़ हैं। अताबाद लेक है उंजा कगान नारान बसीन और गिलगित मैंने सब जगह का और अम्ब्रेला वाटरफॉल सज्जी कोट हसीन खूबसूरत व्यूज में बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगी। बस अल्लाह उस बंदे के दिल में रहम डाल दे वो वीडियोस मिल जाए मुझे आपके वीडियोस तस्वीर से याद आ गए पिक्चर से और जी मुगले आजम का दौर याद आ गया। यस ये एक्चुअली लास्ट ईयर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी आई वाज इन इस्लामाबाद। ओके तो ये मेरी थी मुगल आर्ट थी। ओके इसमें अभी थोड़ा सा हो गया मैंने कुछ चेंजिंग की है इसको कट करके न्यू पेपर पे लगाकर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसके अंदर अमेंडमेंट किया है। अब ये कंप्लीट एक्चुअली हुई नहीं थोड़ी सी इसमें काम बाकी है। तो मैं बताना चाह रही थी कि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों की पेंटिंग्स को टाइम हो जाता है बनने में वो अगर ख़राब हो गई किसी वजह से तो हम उसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब हो गया था तो मैंने पेपर को कट करके इसको न्यू पेपर पे स्टिक किया यहाँ इसके फ्लावर्स जो हैं इसको गूटा से थोड़ा सा वो करके इसमें थोड़ा सा चेंज किया। अब मैं इसको क्योंकि इसके ऊपर सॉफ्ट पेस्टल्स नहीं चल सकते तो मैं इसको फिर दूसरे कलर से या ऑयल पेंट से थोड़ा सा चेंज करके इसको यूटिलाइज करूँगी। क्योंकि जो मैंने देखा कलर कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम है। अब वो मिरर देख रही है ऐसे ना ये होता है बड़ा हसीन सा एक तकिया लगा हुआ है। अरे यार जबरदस्त कुछ बहुत हसीन मुझे कभी कभी दिल करता है यहाँ पर एक एक सल्तनत लगा दूँ यहाँ पर भी। और ये कभी कभी हाँ नहीं नहीं देखे अपने कल्चर को या अपनी जो हमारे यूँ कहते हैं कि जहन में से वर्ड्स निकल गए कि पहले के दौर में क्या होता था वो कैसे लोग कितने अदब एहतराम से गुफ्तगू करते थे और उनका क्या एक स्टाइल था तो उनके दरबार में क्या चलता था तो ये बड़ा एक थोड़ा हमारे आने वाली नस्लों को अवेयर करने के लिए ये होना चाहिए। अच्छा ये दोनों नीचे रख दें ताकि आपका जब भी पिक्चर प्रोफाइल आएगा दैट्स आपकी सीनरी जो है वो दबंग लग रही है। अच्छा जी नाज़रीन मेरे कहने का मकसद है जैसे हमारे सिंध का कल्चर है और मैं अभी हुआ था एक फेस्टिवल फोर्ट ग्रैंड में मैं गई वहाँ पर बड़ा अच्छा वहाँ पर वो शादी का एक पूरा उन्होंने एक सेटअप लगाया था वो चक्की पीस रही है और एक वो गाना एक औरत जो है वो बजा के गाना गा रही ताली बजा रही थी और एक जो है वो उनके पगशक पहनी हुई थी तो वो बड़ा खूबसूरत एक लुक आ रहा था। उनकी ड्रेसिंग बड़ी काउंटेबल थी कि वो पूरी वो सिंधी कल्चर तो ऐसी चीज़ें जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको नॉलेज जो है ये हमारी विरासत है ये हमारी जो है आइडेंटिटी है कि हम लोग एक एक अच्छी विरासत से एक अच्छे कल्चर से बिलोंग करते हैं। पंजाब का कल्चर बड़ा खूबसूरत है वहाँ पर भी बड़ी वो चोटी और लांचा और दुपट्टा गोटे वाला तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। गिलगित में मैं गई हूँ उनकी जो ज्वेलरी बड़ी जो है इफेक्टिव ज़बरदस्त ज्वेलरी है वो मैंने वेयर की है वो बड़ी ज़बरदस्त है और वो मैंने यूँ झालर से बनी हुई है उनकी ड्रेसिंग उस पर बड़ा प्यारा काम और देखा जाए तो चित्राल में बड़ा खूबसूरत है। मेरे पास अभी दो तीन ऐसी जगहें जो रह गई हैं जिनमें स्कर्दू है और चित्राल है ये थोड़ा रह गया था बाकी मैंने काफ़ी हद तक विज़िट किया। उनके वो एक तबूरा सा बजता है वो एक ट्रिंग 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 वो गिलगित में और वो बड़े प्यारे गाने भी बड़े प्यारे और उनके डांस यूँ यूँ करके हाथ मार मार के इतने खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट अंदाज में उनका खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। मैंने वहाँ पर भी सर्दियाँ बहुत थी जब मैं गिलगित में गई और उन्होंने शंघाई और एक और ज़बानें दो ज़बानें वो उन्होंने उसमें गाने सुनाए और बड़े एक अच्छा था उनका डांस बड़ा प्यारा सा था। मोहब्बत करने वाले बहुत हैं पता क्या ये पेंटिंग ये आर्टिस्ट जो होता है ना मैं सच बता रही हूँ सॉफ्ट सा माइंड होता है उसका सॉफ्ट सा दिल होता है माइंड क्या दिल बड़ा प्यारा सा होता है और हम जब इनको ज़रा सा अप्रिसिएशन रिगार्ड देते ना ये बेसिकली हमारी अक्कासी कर रहे होते हैं
जैसे मुझे इन को देख के ना एक अंदर से एकदम आया कि मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं, तो बेसिकली ये हमारे अंदर की चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है। हम समझते ना ये अपना कुछ अपना आर्ट बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे ही फितरत की चीज़ों को। और मैंने हर बात में अपने देखा होगा, जब इन्होंने वो दिखाया तो मैंने कहा अल्लाह में गई थी उनजा कागन, तो मेरी फीलिंग उसमें आ गई। ऐसा ही कहेंगे शबाना जी, मैं ही बोलती रहूंगी, आपकी बारी नहीं आने लगी। ये कैलीग्राफी भी है, इसको अगर जी, ये फ्रंट पे जो पड़ी हुई आगे मेरी टेबल पे मैंने रखवाई है जी। तो ये बताइए, तो बहुत सारे थे बट ये कि इतना मेरी जगह भी बारी बहुत थोड़ी है, दिल बड़े जगह छोटी है। तो ये है कि ये कैलीग्राफी की है, कैलीग्राफी भी करती हूँ मैं। मोस्टली मेरा मीडियम जो होता है वो ऑयल पेंट होता है। ओके। ऑयल पेंट के अलावा जो मेरे ये मुगल आप देख रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर मैंने ऑयल पेस्टल्स और सॉफ्ट पेस्टल्स यूज किए हैं। इन दोनों के अंदर बैकग्राउंड में सॉफ्ट है और ये ज्वेलरी वगैरह सारी ऑयल पेंसिल वर्क भी है इसके। ओके। अच्छा, इस तरह से ये जो आप देखेंगे चारकोल वर्क है, ये टोटली चारकोल पेंसिल से बना है। चारकोल पेंसिल से और हमारा 9B से। अच्छा, 4B से। इस चारकोल पेंट जो आपने ये जो ये बनाया पेंसिल से, इसमें अगर स्केच किया जाए ना किसी की पिक्चर को, यार वो बड़ी बड़ी ऐसा लगता है जैसे ये अभी बोल पड़े। ये मेरे पास स्केच है बट वो सेल फोन में है, मैं ला नहीं सकती। शबाना जी मेरा कब बना रहे हो, यकीन करो मुझे बहुत शौक। अब मैं ऐसे बैठी हुई हूँ और मैं लाइव शो कर रही हूँ और दूसरे गेस्ट से बात कर रही हूँ और मेरा शबाना जी स्केच बना रहे हैं। अपनी बेटी का और बेटे का भी बनाया है, काफी लोगों का। अच्छा, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी वहाँ मेरे जो प्रेसिडेंट थे उनको मैंने गिफ्ट किया। क्या बात है, बनाकर उनका इंशाल्लाह आपको भी। नहीं नहीं श्योर, मुझे अच्छा लगेगा। और आप ऐसे लग रहे हैं कि आप एक आबशार के पास बैठी है, ऊपर ना देखिएगा। आप ऐसे लग रहे हैं मेरी बहन आबशार के पीछे बैठी और इतनी खूबसूरत आपका व्यू आ रहा है, ये मेरा दिल खराब हो रहा है, बहुत नियत खराब हो रही है। सोच रही हूँ इस पेंटिंग को मैं अपने पीछे लगा दूँ और फिर ऐसा लगे कि जैसे ही मैं बैठी हूँ और पीछे पानी आ रहा है। हसीन बहुत। देखिए जब आपको ये वीडियो क्लिप दूंगी ना, फिर देखिएगा आपको कि कैसा व्यू आ रहा है। हमारे दरमियान एक जबरदस्त टैलेंटेड लेडी, अगेन मैं बताना चाहूँगी, मौजूद है। उनका नाम है शबाना खान, आर्टिस्टिक पेंटर हैं और माशाल्लाह एक और इनमें प्लस पॉइंट ये कि ये शायरी बहुत खूबसूरत करती हैं। कुछ है आज कुछ सुनाने को? हाँ, निकालें जी हम जी। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी, और अगर आप भी टैलेंटेड हैं, जब तक शबाना जी निकाल रही हैं शेर वगैरह नज़्म, तो आप भी अगर टैलेंटेड हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 03158248704। अगर आपके अंदर टैलेंट, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लाइव हमें कॉल कीजिए और कुछ अपनी बात शेयर करना चाहें। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ टैलेंटेड लोग हैं, आपकी बेटी आपका बेटा, तो ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी। लेट्स सी शबाना खान जी। मोहब्बत तो मोहब्बत है, हाय 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 हाय। मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत चांद है जाना। अंधेरों में जो भटके तो ये इसको रोशनी दे दे, जिंदगी के सहरा में कवल के फूल की मानिंद। दुखों की धूप में जाना, मज़ा नहीं आया, मैं दोबारा से सुनाती हूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत चांद है जाना। मोहब्बत तो मोहब्बत है, मोहब्बत चांद है जाना। चांद है जाना, अंधेरों में जो भटके तो ये इसको रोशनी दे दे, जिंदगी के सहरा में कवल के फूल की मानिंद। दुखों की धूप में जाना, ये एक सर्द झोंका है, आय हाय 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 हाय। जिसे भी हाथ आ जाए वही बस अमर है जाना। मोहब्बत तो मोहब्बत है। क्या बात है, वाकई में इतनी जबरदस्त। ओके, नेक्स्ट क्या सुना रही है मेरी बहन? नेक्स्ट मैं आपको सुना देती हूँ जी। मैंने नए बरस पर लिखा था। अच्छा जी, नया बरस तो गुजर गया लेकिन चले खैर, बट ये अकासी कर ले, अकासी कर लेती हूँ। वो मैंने लिखा था, मुझे वैसे आप जरा सा जब तक मेरी बहन ढूंढ रही है कौन सी वाली, तो नाज़रीन आप लोगों के दरमियान इस वक्त मैं खुद सभी मौजूद हूँ और बहुत जल्द ब्यूटिशंस के लिए भी सरप्राइज़ है और कल इंशाल्लाह देखिए कल या परसों मैं आपको सरप्राइज़ देने वाली हूँ, तो ब्यूटिशन रेडी हो जाएं कि उनके लिए मैं क्या लेकर आ रही हूँ जी। बहुत शौक है ना आपको आगे आगे बढ़ने का, तो सरप्राइज़ है PBI की जानिब से, मेरी जानिब से नहीं, मैं तो आगे डिलीवर करूँगी। तो फिर आर यू रेडी विथ मी कि ब्यूटिशियंस के लिए आगे एक बड़ा इवेंट आ रहा है। लेट्स सी शबाना जी, आर यू रेडी? मैं वैसे ही सुना देती हूँ आपको।
नए बरस की रोशनी की पहली किरण, आए हाय हाय, नए बरस की रोशनी की पहली किरण तुम्हारे नसीबों को इस तरह जगाए कि मेरी आँखों के बेरंग मोती यूँ मेरे हाथों में जगमगाएं, आए हाय, हर एक मोती में तेरी खुशियाँ ही मुस्कुराएं, तेरे अतराफ राहतों के फूल मुस्काएं, अनोखी तर्प की खुशबू तेरी हर सांस महकाए, तेरी हर राह ख्वाहिश में परी वो कामयाबी की अबर की मानिंद अपना गुलाबी नर्म गुदाज आंचल इस तरह फैलाए, दुखों की धूप ता हयात ना तुझ पर कभी आए। क्या बात है, जबरदस्त। वाकई ये असल में मुझे ऐसा लगा जैसे आप किसी को दुआ दे रहे हैं। ये आज़ाद नज़म है, ये गज़ल नहीं है। तो मोस्टली होता है कि काफ़ी और रदीफ मिलते वो होने चाहिए, मगर आज़ाद नज़म में ही होता है कि आप जो है अपने अल्फाज का इस्तेमाल खुला कर सकते हैं, अपनी फीलिंग आज़ादी से आज़ादी से कर सकते हैं, इसीलिए से आज़ाद नज़म कहा जाता है। अच्छा, छोटे छोटे शेर भी तो आपके दिमाग में होते होंगे ना, जैसे छोटे छोटे, जैसे एक मेरा शेर है, तू तो खूगर है दिल दुखाने का, आए 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 आए। अगर आप इसको वैसे कन्वर्ट करें, तू तो आधी है दिल दुखाने का। अच्छा, ये सही है, ये हिट करता है ना एक्चुअली, वो बहुत सकील हो जाता है। ठीक है, तू तो आधी है दिल दुखाने का, मुझे तड़पा के आजमाने का, आए 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 आए, क्या बात। तू तो आधी है दिल दुखाने का, मुझे तड़पा के आजमाने का, तुझे यूं देख कर मैं सोच में पड़ जाती हूँ, अजब मिला है सिला तुझसे दिल लगाने का। एक बार फिर यार, एक बार फिर, तू तो आदी है, और यार मुझे अच्छा लगा, तू तो आदी है दिल दुखाने का। हाँ चलें जी, तू तो आदी है दिल दुखाने का, मुझे तड़पा के आजमाने का। ये तो गलत बात है, एक तो तड़पा भी रहो फिर आजमा भी रहो। तुझे यूँ देख कर मैं सोच में पड़ जाती हूँ, आए आए आए, अजब मिला है सिला तुझसे दिल लगाने का। क्या ये, मैंने गलती की थी तो भुगतनी तो पड़ेगी, लेकिन मैंने तशरीह की आपके शेर की। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मैंने उन लोगों के लिए लिखा है जी जी, कि जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं और फिर वो किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। ये मेरे लिए, यूं कहें ना, सभी आपके लिए, ओके, आप ही के लिए, मेरे लिए, आपके लिए है। और शेर कुछ यूं है कि ये कीमती दुर वजूद में यूं ही नहीं आ जाता, आए हाय हाय। अच्छा, ये कीमती दुर मींस मोती, सच्चा मोती। अच्छा, ये कीमती मोती यूं ही वजूद में नहीं आ जाता, क्या बात। ये कीमती दुर वजूद में यूं ही नहीं आ जाता, एक जान खत्म होती है कई मरहलों के बाद। आए, 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 आए। ये इन दो लाइनों में मैंने पूरा, बहुत प्यारा शेर वाकई में, बड़ी 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 कटन जो है ना, कहते हैं कि आगे जो बहुत ज्यादा आसानी होती है लेकिन उसके जब चल के जाना पड़ता है ना, वो जो टाइम आपने गुजारा होता है ना, अचीवमेंट तो आपकी सब देख रहे होते हैं, मगर वो ट्रेवलिंग जो नहीं, वो उस वक्त तक तो आपके साथ कोई साथ नहीं होता, जब आप अचीव कर लेते हैं ना, फिर आपके इर्द गिर्द जमघटा होता है। ये वो शेर हो गया, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आना चाहो तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर आना चाहो तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। रियली इंसान की जिंदगी में एक अच्छी अचीवमेंट जिसे कहते हैं, यकीन करें शॉर्टकट बहुत है, लेकिन अगर आपने अपना नाम मकाम इज्जत, ये तीनों चीजें, पैसा तो आ ही जाता है, पैसा कहीं नहीं जाता, लेकिन ये तीनों चीजें सही तरीके से अचीव करने हो तो एक जिंदगी का खास एक ड्यूरेशन बीच में आता है जो आपके लिए आजमाइश बनता है। अब वो जिंदगी भर एक स्टैम्प होता है आपका, स्टैम्प होता है, और वो आपको वो स्टैम्प जो है ना, वो आप डिपेंड करते हैं कि आपको वो स्टैम्प कौन सी चाहिए, वो आपको फिर फैमिली वाले भी लोग आपको बड़े ही वो करते हैं, अपने दोस्त वगैरह अपनी फैमिली में भी मिलवाते हुए बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। तो वो सोच लें कि वो जो बीच में जो एक कटन मरला है ना, वो आपने खुद चूज़ करना है कि आया कि मैं इस ज़िंदगी में ये जो बीच का जो है इसे मैंने कैसे क्रॉस करना है। तो बस वो जो है ना, उससे अगर आप गुजर गए तो समझ ले फिर आपने सफल हो गए, यकीन करें, लेकिन वो बहुत तकलीफ दे होता है। अच्छा, हर चीज़ें बड़ी लवाजमत आपको नज़र आ रहे होते हैं और शॉर्टकट में पैसा भी बहुत नज़र आता है, लेकिन वो ज़िंदगी का जो है ना, वो आजमाइश का वो पॉइंट होता है ना, उस वक्त आप डगमगा गए तो फिर गए। देखें, शॉर्टकट आसान बहुत है, बहुत आसान है। आप ये देखें कि जो गुनाह का रास्ता होगा या गलत रास्ता होगा, उसमें यह है कि वो शॉर्टकट होगा और बहुत जल्दी हो जाता है,
बट ये कि आपका जो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जो सही रास्ता होता है उसमें तकलीफ़ होती है, थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, बट ये कि वही असल हमारे लिए मुकाम होता है जिसे हम अचीव करते हैं। शॉर्टकट मारकर या कोई गलत रास्ता इख्तियार करके आपको थोड़े टाइम के लिए तो आप इंजॉय कर सकते हो, बट ये कि आप लॉन्ग लास्टिंग अगर आप चाहें या आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं तो उसको एक प्रॉपर वे में एक प्लस पॉइंट से एक तरीके से लेकर चलेंगे तो वो आपके लिए फॉरएवर होगा। वो चीज़ होगी। जाते जाते एक शेर और एक छोटा सा मैसेज। अच्छा, शेर मैं एक और आपको सुना देती हूँ कि याद नहीं रहने। मैसेज दे दें कुछ अच्छा सा जाते हैं। मैसेज ये है कि देखें जिंदगी में आपके हर तरफ रंग हैं, हर तरफ रंग हैं, बस आप उनको किस तरह से समेट सकते हैं ये आपने देखना है, क्योंकि लाइफ में आप देखें कि जैसे ब्लैक एंड वाइट लाइफ आप अगर देखें तो कलर्स में से आप निकालेंगे उनमें से कलर्स ना, तो इसी तरह लाइफ है आपकी, तो लाइफ में ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है प्रॉब्लम्स भी आती हैं और आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, बट ये कि होना ये चाहिए कि हम अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक साइड पर रखकर पॉजिटिव वे में सोचें और अपनी ज़िंदगी को इस तरह के जो कलर्स हैं उनसे भर लें। क्या बात है मेरी प्यारी बहन, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट आपके साथ पूरी पेंटिंग विद आपकी शायरी के साथ एक्सक्लूसिव एक और प्रोग्राम इंशाल्लाह, और मैं वो फिर स्केचिंग कुछ बनाना भी उसी वक्त स्टिल डन 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 हो गया। थैंक यू सो मच जी। शबाना खान हमारे दरमियान मौजूद थी, ज़बरदस्त इनके साथ मेरा सेगमेंट रहा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, जाते जाते क्योंकि जाने का टाइम हो गया, लेकिन हमारी जो शेफ है वो एक बना रही थी इंस्टेंट पुलाव, चिकन पुलाव, ठीक है जी। लुक एट दिस, और ये झटपट बन भी गया है और थोड़ी कद कनी रह गई, लेकिन हमें प्रेजेंट करना था, बाकी ये दम पे अभी रखा हुआ है ऐसे कि नहीं ऐसे। हाँ जी, इन्होंने थोड़ा सा इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि इसकी जो है शेप या कैसी है इसकी प्रेजेंटेशन, बाकी ये दोबारा जाएगा और फिर दम पे रखा जाएगा। खुशबू बड़ी प्यारी, मुझे डर झटके लग रहे, ठसके लग रहे, सॉरी। चलिए जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं की हमें सबको बहुत ज़रूरत है। मेरी सारी बहनें जो स्किल्स के ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, इनके लिए बहुत जल्द एक इंशाल्लाह एग्जीबिशन का इनकाद करूँगी ताकि इनको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा हो। PBI एक जो है ना एक्सक्लूसिव, ऐसी वुमेंस जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, जो ऑनलाइन ड्रेसेस बनाती हैं, कुकिंग करती हैं और पेंटिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ जो ख़वातीन जिससे उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैंडमेड वर्क है, ज्वेलरी है, बर्तन है, बहुत कुछ है, हमारे बहुत ज़्यादा काम है जो ख़वातीन काम कर रही हैं, बच्चों के ड्रेसेस हैं, शूज़ हैं, मैंने कुछ बच्चियों को देखा है वो बड़े हाथ से बड़े प्यारे प्यारे बेबी सिटिंग की चीज़ें बनाती हैं, तो उन सब के लिए बहुत जल्द PBI जो है वो एग्जीबिशन लेकर आ रहे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे टैलेंटेड एग्जीबिशन से पहले उन टैलेंटेड वुमेंस को हम यहाँ पर एज अ गेस्ट भी बुलवाएंगे। लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।